ये आचार्य जी, ये डेली जो हम मंदिर में पूजा करते हैं, धूप दीप करते हैं, उस समय भी हम इसका उच्चारण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, उनको प्रार्थना कर सकते हैं भाई कि हमारी भगवान बुद्धि सुधरे। देखिए माथे पर तिलक लगाने से क्या होता है, आप भी जानते हैं, ब्रह्मरांध्र है यहाँ पर, भाग्य चक्र है। अब यहाँ तिलक लगाते हैं तो वो चक्र जागृत हो जाता है, आपकी बुद्धि जागृत हो जाती है, इसलिए वहाँ तिलक लगाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि शिखा रखने से, शिखा का अपना महत्व है, शिखा सूत्र का है नहीं है, पहले से ब्राह्मण कहते चले आए, शास्त्र कहते चले आए, तब नहीं माना, कोरोना में सबने माना कि भाई अभिवादन चील से, हमारे यहाँ कहा गया अभिवादन करना है, सील करना है, या हाथ मिलाने की पद्धति तो भारत वर्ष में रही है नहीं, नहीं पैर छूने की पद्धति। साइंस भी कहता है कि आचार्य जी अगर हम किसी को छूते हैं तो हम अपनी मेमोरी, अपना डाटा ट्रांसफर एक तरह से वो हो रहा है, अगर नेगेटिविटी है तो वो जाएगी, यही तो वेद ने कहा, सामने होगी तो वो आपके पास आएगी। अब देखिए हमारे देश के लोग क्या कहते हैं ना, कोई बाहर का व्यक्ति कह दे तो उसको मान लेते हैं, अब कहा कि ये विज्ञान ने, नासा ने कह दिया ऐसे, हमारे देश से तो करोड़ों वर्षों से तो ऋषि यही कहते चले आए भाई कि अपना जहाँ भोजन बनता है उसको पवित्रता रखिए, वहाँ जूते लेकर मत जाइए, वहीं बाहर से कपड़े पहन कर आए हैं उसको मत लीजिए। आप सोचिए कितने कीटाणु होते होंगे, वो कीटाणु आपके भोजन में जाएंगे तो आप बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। यही जब हम लोग कहते चले आए, शास्त्रों ने कहा तो लोगों ने कहा कि ये तो ब्राह्मण छुआछूत फैलाते हैं भाई, ब्राह्मण छुआछूत, जितनी बातें वेदों में हैं सब साइंटिफिक हैं, सब लॉजिक है, बिना लॉजिक कि कोई बात कही नहीं गई है, एक एक बात 100% खरा है, विज्ञान पर भी और शास्त्र में तो शास्त्र सम्मत ही है। आचार्य जी जितना थोड़ा बहुत जो मैं पढ़ता हूँ या देखता हूँ, आप जैसे गुणीजनों से थोड़ा बहुत सानिध्य अगर मिलता है तो ये बात समझ में आती है कि जिन लोगों को जिस बारे में नहीं पता वो उसे अस्वीकार कर देते हैं कि हमें नहीं पता, हम नहीं मानते, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आप अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो आप थोड़ी जानकारी जुटा सकते हैं, लेकिन उसे नकार देना उसका हल नहीं है। अगर आपके कोई पुरोहित या पुजारी या आपके कोई गुणीजन अगर आपको कोई जानकारी दे रहे हैं और आपको उसके बारे में और प्रमाण चाहिए तो आप उनसे जानकारी लें, प्रमाण लें, लेकिन उसे नकारे नहीं, ये कहीं आपके लिए अहित ना हो जाए, इसलिए भी ये पॉडकास्ट में हम इस बारे में बात कर रहे हैं। और पंडित जी ने दिवाली के बारे में बहुत सारी बातें बताई, दिवाली, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, और ये 5 दिन जो हैं वो आपको धन धान्य से, स्वास्थ्य से एकदम लाभान्वित कर देने वाले हैं। दिवाली एक और आता है त्रिपाठी जी, आप देखते हैं कि धान की खील चढ़ाई जाती है, है ना, दिवाली वाले दिन, दिवाली वाले दिन लक्ष्मी गणेश जी को, उसका भी बड़ा अपना महत्व है जी। देखते हैं जो ग्रामीण अंचल से लोग आते हैं वो जानते होंगे कि एक धान का पेड़ जब रुपाई होती है तो एक धान से कम 200 धान पैदा होते हैं। तो खील चढ़ाने का सात्विक अर्थ यह है कि घर में जो आपकी समृद्धि है, यह समृद्धि आगे और कैसे बढ़े, आप धन धान्यशाली हों। और क्योंकि आप कुछ लोग कहते हैं लक्ष्मी जी, अच्छा लक्ष्मी का सात्विक अर्थों में वाहन क्या है, उल्लू जी, और उल्लू को दिखाई कब देता है, दिन में दिखता है, नहीं दिखता, रात में नहीं दिखता, रात को दिखाई देता है, रात को दिखता है, रात को उल्लू दिखाई देता है, दिन में नहीं दिखाई देता है। तो अब जो उल्लू को रात में दिखाई देता है तो वो पैसा आपको बहुत लाभकारी होने वाला नहीं है, तो आप कौन सी लक्ष्मी का आह्वान करें, आप कहें कि विष्णु सहित लक्ष्मी मेरे घर में आवे, जब विष्णु सहित लक्ष्मी आपके घर में आएंगी तो आपके घर में सुख बढ़ेगा, आपके घर में पैसा बढ़ेगा, आपके घर में समृद्धि बढ़ेगी। और खाली लक्ष्मी को बनाएंगे तो लक्ष्मी तो भाई उल्लू है, उल्लू को दिन में दिखाई देता नहीं, वो तो फिर आप समझ लें किधर भी लेके जा सकता लेके जा सकता है। तो माता लक्ष्मी को घर में रखना है, आप चाहते हैं कि वो टिकी रहें, तो इसलिए भी श्री हरि के साथ उनका स्वागत करें, क्योंकि जो माता लक्ष्मी को आचार्य जी वो आशीर्वाद जो कि अगर आप माता लक्ष्मी जो आशीर्वाद दे देंगी वो धंधाने से परिपूर्ण हो जाएगा, लेकिन भगवान श्री हरि उसे वापस भी कभी भी ले सकते हैं, ये वाला प्रसंग भी बताइएगा। देखो ऐसा है कि मैं कह रहा हूँ दीपावली पर बहुत सारे लोग कहते हैं हमें मंत्र नहीं आता, मैं छोटा सा मंत्र बताऊँगा, मंत्र वैसे बड़ा है, आप कुछ नहीं कर सकते, तो एक जिसको बोलते हैं लक्ष्मी गायत्री जी, ठीक है ना, लक्ष्मी गायत्री है, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, इस मंत्र का आप जप कर लें। आप यह भी नहीं कर सकते तो ओम श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः ये कर लें। यह भी नहीं कर सकते तो ओम श्री महालक्ष्मी नमः इसका जप कर लें। अपने घर में ज्योत जलाएं और ज्योत जला करके यदि आप कोई मंत्र जानते हैं तो वहाँ बैठ करके यदि आप उस मंत्र का जप करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो आप देखेंगे वो मंत्र जागृत हो जाएगा, आपके अंदर एनर्जी भर देगा, आपको शक्ति दे देगा, आपको साहस दे देगा।